हाय गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हैं सिंपल टिप्स अन्वेषा। तो है ये फरवरी का महीना, प्यार का महीना, लव वाला महीना। एंड लव स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ फर्स्ट। अगर आपको 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी जो भी लूज करना है, स्टार्ट कर दो। ये साल के एंड तक हो जाएगा, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इस महीने ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पीसीओडी, पीसीओएस, वेट लॉस, डाइट प्लान। एंड बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। अगर अभी आप वेट गेन, हेयर फॉल, मैसिव एक्ने, नो पीरियड, सिस्ट्स इन योर ओवरी, फेशियल हेयर, कुछ भी सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने बोला, इन सब से सफर कर रहे हो, डोंट वरी, लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, आपका मतलब लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, उसको ठीक करना पड़ेगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, राइट काइंड ऑफ फूड्स लानी पड़ेगी। एंड यस, चेंजेस हैव टू बी देयर इन द डाइट, सर्टन ओमिशंस हैव टू बी देयर। इनफैक्ट जिनको लीन पीसीओएस है, मतलब जो पतले हैं, जिनको वेट गेन नहीं होता बट बाकी सारे सिम्टम्स है, एक्ने, हेयर फॉल, लो पीरियड वगैरह वगैरह, आपको भी ये डाइट प्लान फॉलो करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, पीसीओडी, पीसीओएस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, एंड इफ यू हैव दिस सिम्टम्स, यू हैव टू रिवर्स इट, एंड इट कैन बी रिवर्स विद द राइट डाइट। That was a mouthful, but yes, important. And there is hope and there is light at the end of the tunnel. Metabolism आप लोगों की weak होती है, आप लोगों की slow होती है, तो सबसे पहले हमें वो ठीक करना है with the meal timing, with the circadian rhythm, with the sleep cycle. So step number one, you have to sleep on time. 80% to 90% of the time of your routine now should be sleeping by 12. Give yourself 21 days to reverse yourself. 21. I'm not even asking you for like 30 days or the entire year. आप 21 days करो और आपको changes नजर आएगा. As you wake up, you can have apple cider vinegar water. You can have jeera water. You can have fennel water. You can have raisin soap water for breakfast. Oh, lal chila, the easiest to make. The easiest to make, the crispiest, the yummiest. I love that chila. अगर आप eggs लेते हो, eggs another great source to start your day. Okay, with eggs you can have a homemade bowl of masala oats, homemade. Coming to mid-morning, mid-morning हमें 11 साढ़े 11 12 बजे तक mid-morning हो जाना चाहिए. Your seasonal fruits are a great source of mid-morning. Coconut water, fresh, just available है, coconut water ले लो. Coming to lunch, lunch में या तो रोटी या फिर चावल. जो लोग fish खाते हैं तो rice and fish and a big bowl of salad. Or sometimes you can also take a bowl of dal. जो लोग fish नहीं खाते हैं, जो vegetarian हैं, then छोले और राजमा with one or two roti, okay? And a little bit of ghee, not too much, little bit of ghee, अगर specifically constipation का issue रहता है. आप दिन में चाय भी ले सकते हैं. मैं बहुत अपने PCOD, PCOS clients को चाय भी देती हूँ, छोटी सी कप में, बहुत कम चीनी या स्टीविया या फिर जैगरी के साथ आप चाय भी ले सकते हैं, no problem with that. बट अगर आपको सीवियर अभी एक्ने है, सीवियर एसिडिटी की इशू है, तो आपको मैं हार्टली कहूँगी 21 डेज के लिए बस चाय छोड़ के दे. एंड मिल्क टी, मिल्क के लिए हम बेस्ट वैसे भी कह रहे हैं, उसको छोड़ के देख रहे हैं 21 डेज के लिए. आप ब्लैक टी लो, ग्रीन टी लो, आप हर्बल टी लो कोई, एंड आप डिफरेंस देखना, बस डिफरेंस देखना. ये बोलने के बाद आप डिफरेंस करो. ये ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देखी, किसी और की देखी, सबका देख के नहीं, एक आप बस ट्राई करना. इवनिंग स्नैक्स में आप रोस्टेड चीरे ले सकते हो, मतलब चिवड़ा. चिवड़ा को घर पे ले आके रोस्ट करके बना के आप एक मुट्ठी भर थोड़ा सा आपने ले लिया विद 5 नट्स और 2 वॉलनट्स, इसके साथ ले लिया. बहुत मीठे की ग्रेवी रहती है तो एक ब्रेक ले सकते हो. कमिंग टू योर डिनर, डिनर आपका बेड टाइम अगर 12 बजे सोने जाते हो तो कितने बजे हो जाना चाहिए? 9 बजे से पहले, ठीक है, मिनिमम 9 बजे से पहले. कितना टाइम दे दिया मैंने आपको, फॉर 21 डेज तो हो जाएगा राइट. पहले जिनके लिए पॉसिबल है, द अर्लियर द बेटर. डिनर में चिकन, ग्रिल चिकन ले सकते हैं. हफ्ते में 2 दिन आप ग्रिल चिकन जो खाते हैं ले सकते हैं. आप ग्रिल चिकन नहीं खाते, आप टोफू ग्रिल करके ले सकते हो, या फिर आपको ऐसे प्रोटीन वगैरह नहीं लेना है, तो जस्ट हैव अ बोल ऑफ किनोआ पुलाव, 150-200 ग्राम्स विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन ऐड, एंड जस्ट मेक अ नाइस बोल ऑफ किनोआ पुलाव. बेसिकली आपको जो एलिमिनेट करना है वो है पैकेज फूड. हर तरह का पैकेज फूड आपको अवॉइड करना है. अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है. मिल्क को आप हटा के देखो एंड सी द मैजिक इट ब्रिंग्स ऑन योर एक्ने, ठीक है, ये सब चीज. अब आते हैं पनीर की बात एंड कर्ड की बात. आप अगर 21 डेज का मेरा ये चैनल दे रहे हो तो खुद पे ये ट्राई करके देखो. न्यूट्रिशन रिसर्च साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट टेस्टिंग आउट, टेस्टिंग समथिंग एल्स, इट्स ऑलवेज एंड इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी बायो इंडिविजुअलिस्टिक ऑल्सो. आपका क्या स्टेज है, ठीक है, आप ट्राई करके देखना. कि मान लो 21 डेज आपने कुछ ले लिया, कर्ड भी नहीं लिया, मिल्क भी नहीं लिया, पनीर भी नहीं लिया, हाउ इज योर ब्रोकिंग, हाउ इज योर एक्ने, स्पेसिफिकली एक्ने, हाउ इज योर बॉडी फीलिंग, इज योर बॉडी फीलिंग लाइट,
good. Great. Second, when it comes to paneer, maybe once a week you can make fresh paneer at home and have. और फ्रेश पनीर जिस दिन ही बन रहा है उस दिन छोटे छोटे पीसेस में पनीर देके आप हफ्ते में एक दिन तो खा ही सकते हो राइट, या फिर मैक्सिमम दो दिन खा लिया। कोशिश करना घर पे बन जाए जितना फ्रेश हो सके, दैट इज द बेस्ट। ओके एंड लास्टली नाउ कम्स टू कर्ड। कर्ड आप ले सकते हो, घर पे जमी हुई दही बनाइए, उसमें से बटर मिल्क बनाइए। इट्स वेरी लाइट ऑन द गट एंड इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ हैवीनेस, ब्लोटिंग, अनइजीनेस आफ्टर हैविंग इट। हफ्ते में 3-4 दिन आप ले सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू स्टेजेस। वन, हु आर सफरिंग इमेंसली, हु शुड कंप्लीटली एलिमिनेट दीज थिंग्स एंड सी। सेकंड, पीपल हु आर नॉट सफरिंग बट स्टिल हैव अ लॉट ऑफ अनइजीनेस एंड मे बी एक्ने हियर एंड देयर इश्यूज, दे शुड ऑल्सो डू दिस फॉर लाइफ एंड सी हाउ इट फील्स। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप इन्फ्लेमेटरी फूड, शुगर की। शुगर डेफिनेटली इज बैड, बट वॉट काइंड ऑफ शुगर यू आर हैविंग? See, even if you have a little bit of white sugar, it is not the reason why you have PCOD, right? But hamara jo biscuits ho gaya, chips ho gaya, namkeen ho gaya, cookies ho gaya, ice cream ho gaya, in sab ki wajah se humko problem rehti hai. Then it comes to gluten. Ab bahut logo ko with wheat, these days I'm seeing it more. As I consult more people, I see that so many people cannot digest roti. That is also because the kind of rotis and the flour we are getting, jo hamare paas aa raha hai, itna processed ho raha hai, ki logo ko digest hi nahi ho raha hai, theek hai? Literally stripped of all the minerals and all the, you know, fiber and content in it. But theek hai, itko suit ho raha hai, fair enough. We can make it still a better way to make it healthier. How to make your rotis healthier? They definitely trying out different kinds of millets. Jowar, bajra, ragi, different kinds of millet that is available. It's so readily available these days. Because as science, as nutrition is evolving, we are learning new ways to make our foods better in this world. Theek hai? तो ये रहा मेरा मोटा मोटी पीसीओडी पीसीओएस एंड लीन पीसीओडी पीसीओएस वेट लॉस डाइट प्लान और मेंटेनेंस डाइट प्लान, हेल्दी डाइट प्लान, इसी को करना है। एक और चीज ध्यान में रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है 5-6 days इन अ वीक। मेनी पीपल विद दिस कंडीशन गोस टू जिम एंड डज नॉट लूज वेट, ऑन द कॉन्ट्रोरी दे गेन वेट। प्लीज अंडरस्टैंड पीसीओडी पीसीओएस इज अबाउट हॉर्मोन्स। यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि वेट लॉस के लिए मैं जिम जाऊंगी और वेट लॉस हो जाएगा। All comes down, majority comes down to your lifestyle, specifically खाना पीना क्या है, सोना क्या है, स्ट्रेस क्या है। एक आदमी घर पे सिंपल वॉक एक्सरसाइज करके भी वेट लॉस easier easily कर देंगे than compared to somebody who hits the gym, does regular workout but has shit diet and has shit sleep cycle. So please understand, PCOD thyroid approach to weight loss is very different from anybody who does not have these conditions. PCOD, PCOS में आप randomly जिम में कोई भी पाउडर या कोई भी BCA या कुछ भी क्रिएटिन उठा के नहीं ले सकते। इसीलिए sustainably, holistically घर में जो बन रहा है, the right kind of food choices वो बना के आपको लेनी है। Do comment जो जो इस साल अपने weight loss journey पे है, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.